क्या ये कहा देविका ने? पता नहीं क्या हो गया उसे। अब जो हुआ है वो तो दिख ही रहा है ना। नहीं दानी, जो दिख रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और ही है। देविका उसे प्यार क्यों दिखाएगी, वो भी उस आलेख से जिसने उसकी इज्जत पे हाथ डाला, जिसे खुद देविका ने इतनी बुरी तरह से मारा था। ये देविका ना मुझे कभी समझ नहीं आती, कभी कुछ कहती है और कभी कुछ। तुम्हें भी तो पहले अपनाया था और फिर छोड़ दिया। थाली का बैंगन है बिल्कुल, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। ऐसी नहीं है देविका, जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, और वो मजबूरी क्या है ये मैं जानकर ही रहूंगा। तुम्हें बिना कपड़ों के निहारने में सबको कितना मजा आएगा। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, क्या कीजे रास ना रहना दूर क्या कीजे। दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आऊं, वो जो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। करते हैं हम आज कबूल क्या कीजे, हो गए थे हमसे भूल क्या कीजे। दिल कह रहा उसे मयस कर भी आओ, वो जो दबी सी देविका, मुझे बताओ कि बात क्या है, वो क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तुम्हें बिना कपड़ों के निहारने में सबको कितना मजा आएगा। वो क्या बात है जिस वजह से तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो। तुम इतनी कमजोर नहीं हो, मेरी देविका इतनी कमजोर नहीं है। तुम वो लड़की हो जो आंधियों से टकरा जाती है, यूं चुपचाप आंसू बहाने वालों में से नहीं हो तुम। फिर क्यों तुम उस आलेख पे यकीन कर रही हो, क्या हुआ है हा? बताओ मुझे देविका, प्लीज बताओ। मैं तुम्हारी हर मुश्किल दूर कर दूंगा, तुम्हारे सामने आने वाली हर तकलीफ के सामने दीवार बन के खड़ा रहूंगा, लेकिन मुझे बताओ तो
वो कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तुम्हें का पता हो मैं क्या करूं? क्या हुआ है? कुछ तो बोलो वरुण। हाँ बोलो। मैं तुझे बताना चाह रही थी। बोलो देविका, क्या कहना चाह रही थी? मैं तुझसे कहना चाह रही थी कि तुझे कोई काम नहीं है क्या? बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। वैसे भी कोई रिश्ता नहीं रखना तुझसे मुझे। 6 महीने जेल में बस, समझा? कितना झूठ बोलोगी? साफ साफ दिख रहा है तुम झूठ बोल रही हो। देखो इधर, देखो मुझे। इसे क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं वादा करता हूं देविका, सब ठीक कर दूंगा। एक बार मुझसे कह के तो देखो। प्लीज बताओ मुझे हुआ क्या है, प्लीज। कितनी बार कहूं तुझे, समझ में नहीं आती बात। कुछ नहीं हुआ है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तू दूर रहे मुझसे, समझा? और पीछे आने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ कहते कहते रुक गई देविका। मैं कुछ भी हो, मैं पता करके ही रहूंगा। तू कितनी भी कोशिश कर ले, अब ये चिड़िया तेरे हाथ से गई, अब ये मेरे पिंजरे में है। एक रात के लिए तुम मुझे खुश कर दो, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें खुश कर दूंगा। मुझे नहीं पता था तुम्हें अपने बिस्तर तक लाना इतना आसान होगा मेरे लिए। अब चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अपनी ये साड़ी उतारो और आ जाओ बेड पे मेरे पास। अब आ भी जाओ, आज की रात तुमने मेरे नाम की है। जस्ट इमेजिन,
मैं किसी और की बीवी के साथ मसे लूटने जा रहा हूं, वो भी उसके पति से पहले। थानी, देविका को देखा? हाँ देखा, वो दरअसल। दरअसल क्या, कहाँ है वो, बोलो। वो थानी बोलो, कहाँ है देविका? आलेख के कमरे में जाते हुए देखा, और अंदर जाते ही उसने दरवाजे की कुंडी भी लगा दी, और किस तरह के कपड़े पहने थे ये भी मैंने देखा। कितनी बार रोकोगे उसे? उसने बता दिया ना उसने किसको चुना है। हर बार रोकूंगा, उस आलेख ने देविका की इज्जत पे हाथ डाला है, और देविका ने उसे मारा था, मालूम है, तुमने बताया था। पर इससे ये तो नहीं साबित होता कि देविका के दिल में आलेख को पाने की ख्वाहिश नहीं। थैंक यू स्वीटहार्ट, इसमें अपना प्यार मिलाने के लिए। तुम्हें आलेख जानवर लगता है ना, पर एक बात बताओ, देविका भी तो बंजारों की टोली में पली बड़ी है, वो किसी जंगली से कम है? अब एक जंगली को जानवर नहीं पसंद आएगा तो और कौन आएगा? थाने तुम मेरी बात, प्यार प्यार करने पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता वरुण, अरे मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? ये सब मैं इसलिए कर रही हूं वरुण, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम देविका को हमेशा के लिए भूल जाओ और मुझे अपना बना लो। पर पता नहीं तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि देविका तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं है, तुम्हारा सच्चा प्यार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। मैं पूरी बॉटल पी चुका हूँ, और तुम अभी तक मेरे करीब नहीं आए, अब और कितना तड़पाओगी? प्लान कामयाब हो गया, ये दारू पी के सो गया, और इसके फोन में मेरा जो वीडियो है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। बहुत होशियार हो तुम देविका, लेकिन मुझसे थोड़ी सी कम। मेमोरी कार्ड निकालने से कुछ नहीं होगा, ये वीडियो मेरे पास और जगह भी है। डिजिटल का जमाना। कैसी लड़की हो तुम, हाँ
तुम्हारी कोई इज्जत है या नहीं? हमारे समाज में तुम जैसी लड़कियों क्या बोलते हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम्हें साले के कपड़े में रात बितानी पड़ी? तुम्हें भली खुद पे आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन मुझे तुम पे बहुत शर्म आ रही है। काश मैं तुझे बता पाती कि उस कमीने के पास ये एक ऐसी वीडियो है जिसे अगर माँ बाबा ने देखा तो जान दे देंगे अपनी। मैं इसीलिए उस आलेख के हाथ की कठपुतली बन गई हूं मैं। माफ कर दे मुझे, बहुत देर हो गई है जानने में कि तू कितना सच्चा है और वो कितना बड़ा कमीना। मैंने तुझ पर शक किया और उस कमीने पे भरोसा। आज मैं आलेख की सारी चाल वरुण को बता दूंगी इस चिट्ठी के जरिए। ये ले, गरम गरम पराठे, ये खा। अरे वाह, सब खाने में लग गए। लेकिन मेरी बहन के हाथ का बना पराठा जीजा जी को पहले क्यों? क्यों? देविका का बिन है वो। ऑफ कोर्स दादी साहब, पर मुझसे तो पहले और पुराना रिश्ता है ना। तो ये पराठा मैं खाऊंगा शौक से। रुक, पराठे ठंडे हो गए, वापस ला। अरे खाने दो उसे देविका, अच्छा है भाई बहन का मोह छूटा नहीं है। खाओ खाओ अलेख जी। एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। तो मैं आता हूं।
दाल में जरूर कुछ काला है वरुण। देविका से अकेले में बात करनी होगी।